और अब बात करते हैं रीवा की, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बंदूक लाइसेंसधारियों के सभी लाइसेंस निरस्त कर थानों में जमा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही शातिर बदमाशों को बॉन्ड ओवर दिया जा रहा है। बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा सैकड़ों ऐसे आदतन अपराधी और ऐसे प्रत्याशियों जिनके परिजनों से बॉन्ड ओवर कराया गया है, जिनसे निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है, लेकिन सत्ताधारियों और उनके चमचों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में चोराटा थाना क्षेत्र के बनकुइया में एक गरीब यादव पर 3 गुंडों ने हमला कर उसके पैर तोड़ दिए हैं। उक्त हमलावरों सुखेंद्र पांडे, अंकित मिश्रा, अंकित तिवारी निवासी बनकुइया के खिलाफ पीड़ित मंगल दीन यादव की शिकायत पर पुलिस ने धारा 341, 294, 323, 336, 506 और 34 की अधिनियम के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते आरोपी अब बंदूक से फायर करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि उक्त वीडियो में दिख रहा सुखेंद्र पांडे आदतन अपराधी है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक नहीं है, लेकिन जिस तरह से मारपीट का मुख्य आरोपी सुखेंद्र पांडे वीडियो में फायर करता हुआ दिख रहा है, उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो उसके पास अवैध हथियार है या कि उसके आका के द्वारा अपनी बंदूक से फायर करते हुए वीडियो बनाकर वायरल करवा कर भय उत्पन्न कराना चाहता है, जो कि जांच का विषय है। अगर पुलिस उक्त वीडियो और फायर करने वाले के हाथ में दिख रही बंदूक की जांच करे तो बड़े आरोपियों को संरक्षण देने वाले का पर्दाफाश हो सकता है, जो कि चुनाव में बाधा उत्पन्न करने की तैयारी कर रहा है। उक्त वीडियो किसके द्वारा बनाया गया है और ये किसका है, विराट 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दहशत फैलाने वाला शख्स सुरेंद्र पांडे है, जो कि एक दिन पहले ही यादव परिवार के साथ चुनाव प्रचार न करने की धमकी दिया था और मारपीट भी किया है। उक्त वीडियो से बनकुइया क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते लोगों ने संभावना व्यक्त की है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा और स्थानीय मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। वो मर गरी मा। चालू वो मर गरी मा। चालू बताइए कि कौन मारपीट किया है, किस कारण से मारपीट किया? अमित पांडे जी है, वो हम बाद में अंबरी लगे, हमको घर से निकलने नहीं देते, बोलते कि आप प्रचार मत करिए, और उसको कर्मचारी हैं 3 लोग, सुधन पांडे, अतुल तिवारी और अर्पित मिश्रा। ये अमित पांडे कौन है? वो खनिज के कई मामले हैं इसके ऊपर, खनिज माफिया टाइप के हैं वो लोग हैं क्या? ये यहाँ क्रेशर वगैरह लगाए हैं और उसी के 3 लोग आदमी हैं, जो नौकरी चाकड़ी करते हैं, उन लोग कल रात में ही हमको 10 रात घेर के दे रहे हैं, फिर गाँव के दौड़े बीच बचाव किए हैं। और इनको कैसे मारपीट किया, कहाँ जा रहे थे? तो ये रीवा आते थे, दूर में फिर क्या बाईपास में ही हम 3 मिलकर आके मारे। अभी पुलिस शिकायत में कुछ कार्रवाई की क्या? अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन पढ़ लिया है जो पैसा। अमित पांडे कुछ भाजपा का उधर का है भी बनकुइया मंडल का क्या? जी हाँ, मंडल अध्यक्ष है। क्या इसी के दबाव के कारण भी क्या वोट डालने के लिए दबाव बना रहे हैं कि आप वार्ड में न जाइए? तो दूसरी पार्टी कौन चुनाव लड़ा है जिसका ये दबाव बना रहे हैं? वो हमारे प्रतिनिधि के यादव लड़ा है, ये दूसरी वार्ड में पंकज हैं, मैं और मदर तीसरी पार्ट में, हमने दुकान में बैठे थे, किसी घर में भी नहीं बैठे, तो वहाँ कल रात में हमको अटैक किया। तो ये कह रहे हैं कि हमारे आदमी को वोट दो? हाँ। या प्रचार करने ना जाओ? हाँ, प्रचार करो, प्रचार मत। तो अभी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं उसको कार्रवाई किया जाए, गली मारते हैं।